फरीदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पृथला से बीजेपी से टिकट के कई दावेदार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पृथला से धर्म चौधरी ने भी दावेदारी पेश की है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पृथला से धर्म चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे माना जा रहा है, ये बड़ी खबर। अटाली के रहने वाले हैं धर्म चौधरी और चुनाव लड़ने की काफी समय से तैयारी भी कर रहे हैं पृथला से। फरीदाबाद के पृथला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी में टिकट की दावेदारी को लेकर के। पृथला से बीजेपी की टिकट पर कई दावेदार हैं और धर्म चौधरी ने भी अपनी दावेदारी पेश की है और धर्म चौधरी का नाम भी रेस में आगे माना जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टिकटों पर लगातार मंथन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है पृथला विधानसभा क्षेत्र को लेकर के। पृथला से धर्म चौधरी का नाम जो है रेस में आगे माना जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पृथला से धर्म चौधरी का नाम इस रेस में काफी आगे माना जा रहा है, जिस तरह की जानकारी सामने आई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धर्म चौधरी पिछले काफी समय से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, जनता में एक्टिव हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पृथला से बीजेपी की टिकट पर कई दावेदार हैं और दावेदारी को लेकर के जो जानकारी सामने आई है, धर्म चौधरी भी पिछले काफी समय से एक्टिव माने जा रहे हैं। राजेंद्र दहिया हमारे ब्यूरो चीफ फरीदाबाद हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी पृथला में टिकट को लेकर के मारामारी भारतीय जनता पार्टी में? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पृथला की अगर बात करते हैं तो यहाँ से धर्म चौधरी हैं जो फिलहाल जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं और कहीं ना कहीं उनकी भी प्रबल दावेदारी मानी जा रही है और टिकट की दौड़ में आगे भी उनको बताया जा रहा है जो सूत्र बताते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे पिछले कई सालों से पृथला विधानसभा क्षेत्र में कड़ी मेहनत लोगों के बीच जाकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में भी उम्मीद है और लोग भी तमाम लोग उनके निवास पर पहुंचे हैं कि जल्द ही उनको भी टिकट होगी। तो कहीं ना कहीं काफी प्रबल दावेदार उनको माना जा रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के ही मूल रूप से रहने वाले अटाली गाँव के, और इनके जो दादा है वो सरपंच रहे थे, चाचा गाँव के सरपंच रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं पहले से ही राजनीति में रहते आए हैं और राजनीतिक परिवार माना इनको जाता है, अच्छा रसूख इनके परिवार का है, तो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी इनकी सामने आई है। क्षेत्र के लोगों भी पिछले काफी समय से एक्टिव बने हुए हैं धर्म चौधरी, और इसी को लेकर के क्या वहां पर उनका फीडबैक जो है बीजेपी के आलाकमान तक पहुंचा है कि जीत की प्रबल संभावनाएं इनकी है इसीलिए इनको टिकट मिलना चाहिए, या ऐसी कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो बड़े नेता है वहां पर भी बताया जाता है सूत्रों के अनुसार के इनका पैनल में नाम भी है और कहीं ना कहीं इन पर भी बीजेपी दाव लगा सकती है क्योंकि मजबूत दावेदार पृथला के अंदर इनको माना जा रहा है। पिछले काफी सालों से पृथला विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक प्रबल दावेदारी इनकी यहाँ पर सामने आई है और कहीं ना कहीं लोगों को भी उम्मीद है कि उनको टिकट जरूर मिलेगी और तमाम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ा परिवार है पहले से ही राजनीतिक और इनको काफी उम्मीद भी है कि जल्दी उनकी टिकट भी हो सकती है। जी, इनके अलावा और कौन कौन से दावेदार हैं जिनको लेकर के चर्चाएं हैं इस क्षेत्र से? देखिए इनके अलावा कई लोगों ने दावेदारी की है, इसके अलावा दीपक हैं और साथ में टेकचंद शर्मा है, लेकिन कई अन्य दावेदार भी हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे मजबूत दावेदार इन्हीं को माना जा रहा है। और साफ तौर पर कह सकते हैं जिस तरीके के रसूख और जो सर्वे वगैरह हुए हैं उनमें भी काफी ऊपर इनका नाम जो आया है ऐसा बताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रबल दावेदारी इनकी तरफ से रखी गई है। बिल्कुल, राजेंद्र सूत्रों से इस तरह की जानकारी सामने आई है कि जो जिनके नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं उनको आलाकमान की तरफ से फोन किया जा रहा है नॉमिनेशन की तैयारी को लेकर के, लेकिन क्या धर्म चौधरी को इस तरह का कोई कॉल आया है आलाकमान की तरफ से? चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पृथला से बीजेपी की टिकट पर कई दावेदार हैं और पृथला से धर्म चौधरी ने अपनी दावेदारी पेश की है